अभी अनंतो परमाने का वहाँ पर जो है डैम रोड मिडिल स्कूल के पास में सांप निकला हुआ है घर में और चूल्हा में घुस गया है। इसको हम लोग अभी रेस्क्यू कर रहे हैं। हमारे चांडिल थाना के सिपाही इसमें लगे हुए हैं और हमारे चांडिल थाना के बहुत सारे सिपाही आए हुए हैं यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। चल रहे चल रहे। बहुत ही पुराना जो है रोमन कैरेज जिसको बोलते हैं है ना, जहाँ इंसान सोता है वहीं ये जाता है। बहुत ही खतरनाक सांप है ये और ये अगर काट ले तो सीधा हॉस्पिटल, क्योंकि इसका कोई ये नहीं है, झाड़ फूक है ही नहीं कुछ नहीं, एकदम जो है ना काला पे सादा सादा इसका पहचान है। और इसका दांत इतना पतला होता है कि ये काट लेगा तो पता भी नहीं चलेगा। डेढ़ घंटा बाद जब पेट में मड़ोड़ और पूरा देह में जलन तो समझ लीजिएगा हमको ये सांप काट लिया है। ये बहुत ही खतरनाक सांप है। जहाँ इंसान रहता है वहीं पे ये पाया जाता है और जहाँ इंसान सोता है वहीं जाके बगल में सो जाता है। समझ गए, बहुत खतरनाक सांप, काला पे सादा सादा इसका पहचान होता है। इसको कॉमन करत बोलते हैं और ऐसे इसको चित्ती बोलते हैं इधर का भाषा में, ठीक है ना। ये बहुत ही खतरनाक सांप होता है। तो अभी जो है एक रात को 8:30 बजे डैम रोड में मदन परमानी के घर में जो है एक चित्ती सांप जिसको कॉमन करत बोलते हैं इंग्लिश में, जिसका पहचान है काला पे सादा सादा थोड़ा थोड़ा दूर पर रहता है। इस भारत का सबसे जहरीला सांप में से एक है और ये जहाँ इंसान रहता है सोता है वहीं पे बगल में जाके ये सो जाता है। इसको इसीलिए साइलेंट किलर बोलते हैं, चुपचाप जाके सो जाता है, थोड़ा सा हिलने से आदमी को काट लेता है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ये काटने के बाद जो इसका कोई निशान नहीं होता तो आदमी समझ नहीं पाता, सोचता मच्छर काटा कुछ भी काटा। और जब डेढ़ घंटा के बाद पेट में मड़ोड़ शुरू होता है तो सोचता है गैस हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रात में अगर कभी भी अगर इस तरह का लगे कि हम बहुत स्वस्थ होकर सोए थे और रात में अचानक जलन होने लगे, पूरा देह में पेट में ममर होने लगे, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपने अगल बगल जाके सांप को थोड़ा छानबीन करके देख लेना चाहिए कि सांप कौन सा सांप है ना। और इसमें कोई झाड़ फूक नहीं करना चाहिए, कोई झाड़ फूक नहीं होता, सब अंधविश्वास है। तुरंत आपको नज़दीकी हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहाँ जाके अपना इलाज कराना चाहिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है भास्कर स्नैक सेवर, उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद। यही कॉमन करत है, इसका काटे का कोई निशान नहीं होता है, ये खटिया बिस्तर पर चढ़ के काट लेता है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। ये जो सांप है ये हमेशा हमारे घर के आसपास ही मिलता है ये सांप। और इसका जो बाइट होता है, ये बाइट होने के तुरंत आपको पता नहीं चलेगा, काटने से 1-1.5 घंटे के बाद पेट में ममोर और जलन शुरू होता है, तब पता चलता है जो ये सांप ऐसे बाइट हुआ है। ये स्क्रिच करके काटता है बहुत, और इसीलिए बहुत सातिर सांप के ये में भी गिना जाता है, इसका नाम आता है। और ये बड़ा है थोड़ा सा, रात भर बंद था, आप देख सकते हैं इसका मोटाई, ये मुंडी से जो है थोड़ा यहाँ तक पीछे तक जो है इसका लकीर नहीं होता है, इसके बाद फिर ये सामने जो है ये चला जाता है, इसका दागी सादा होकर के चला जाता है, इसका यही पहचान है। और इससे बच के रहना चाहिए। अब हम लोग इसको जो है रिलीज कर देंगे यहाँ पर, अब सांप को रिलीज कर दिए हैं। अगर इसके बाद भी अगर आप लोगों को कहीं भी इस तरह का सांप अगर दिखे, जहरीला वेनमस या नॉन वेनमस, क्योंकि आप लोगों को तो पता नहीं है, तो डायरेक्ट मुझको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, या फिर मेरा जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नंबर उसके थ्रू, या फिर ईमेल के थ्रू आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।